वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम दोस्तों, आप सब कैसे हैं भाइयों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। भाइयों, आज हम बात करेंगे कि सरब सांझी गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, वो उन लोगों के लिए गुरबाणी के अंदर क्या फरमान है जो लोग सुबह शाम सिर्फ पैसे पे ध्यान लगाते हैं और पैसे के पीछे पूरी ज़िंदगी भागते रहते हैं, और एंड में जाके उनको क्या हासिल होता है? फिर उनके जीवन जब ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होता है उनके साथ में? देखो भाइयों, पैसा कमाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको जोड़ जोड़ के और दान पुण्य भी नहीं करना, गरीबों की हेल्प भी नहीं करना, फिर वही पैसा हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी परेशानी बन जाता है। तो पैसा कमाएं, इतना कमाएं कि घर परिवार अच्छे से चले, फैमिली में कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन अंत का कमाना, क्योंकि कोई भी चीज़ का आप अंत करेंगे, एंड करेंगे, सिर्फ वाहिगुरु का नाम, परमेश्वर का नाम, परवरदिगार का नाम छोड़ के। बाकी किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, उसका एंड बुरा होता है। भगवान की भक्ति करें, रज के करें, सुबह शाम करें, दिन रात करें। और बाकी मैं आपको बताता हूँ कि गुरबाणी के अंदर जो ज़्यादा पैसे के पीछे भागते हैं, मतलब लालची लोग जिनको जोड़ने का शौक है, प्रॉपर्टी, पैसा, गहना गट्टा, FDs वगैरह, तो उनके जीवन में क्या घटता है जीते जी और मरने के बाद, तो हम देखते हैं जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की सरब सांझी गुरबाणी में से। तो भाइयों, आप शुरू करते हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, अंग पेज नंबर 278। सहस खटे लख को उठतावै, तृप्त न आवे माया पाछे पावै, अनिक भोग बिखिया के करे नह तृप्तावे खप खप मरे। सहस खटे लख को उठतावै, सहस खटे मतलब खूब सारा पैसा खट लिया, कमा लिया, और अब क्या हुआ, पैसा इकट्ठा हो गया, अब लख को उठतावै मतलब लाख करोड़ कमाने के लिए फिर इंसान खड़ा हो गया। भक्ति नहीं करी उसने, भाई किसी इंसान के पास, समझदार इंसान के पास पैसा आ जाए तो वो अपने पैसे को सही यूटिलाइज करके अपना टाइम भक्ति में लगाए, मेरा मानना ये है। तो क्या हुआ, सहस खटे लख को उठतावै, बहुत सारा कमा लिया, लख को उठतावे मतलब फिर खड़ा हो गया, लख लाख कमाने के लिए फिर खड़ा हो गया। तृप्त ना आवे माया पाछे पावे, वो तृप्त नहीं मिलती उसको, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कि वो जिंदगी भर माया के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। मैं ये भी जोड़ लूँ, प्रॉपर्टी भी बना लूँ, मैं गहने भी इकट्ठे कर लूँ, मैं ये फ्यूचर सेट कर लूँ, मैं उसका सेट कर लूँ। जो भी बच्चा आपकी ज़िंदगी में है, जो परिवार का जो भी मेंबर है, उसका रखवाला वाहिगुरु है। इंसान कुछ नहीं कर सकता। हम सोचें कि मैंने किया, नहीं, देने वाला और छीने वाला, मारे राखे एको आप, मानुख के किछ नाहीं हाथ, मारने और रखने वाला वो वाहिगुरु है, परमेश्वर है, परवरदिगार है। अनिक भोग बिखिया के करे, फिर क्या हुआ, अनिक भोग मतलब उसने उस पैसे को गलत लगाना शुरू कर दिया, कि मैं उसका भोग करना शुरू कर दिया गलत तरीके से, सुख की प्राप्ति के लिए, जुआ, सट्टा, शराब और दुनिया भर के उल्टे पुल्टे काम करना, ड्रग्स या जो भी ऐसे ऊटपटांग काम है दुनिया के अंदर, उसने अपनी मन की शांति के लिए उस पैसे का वहाँ पर भोग करना शुरू कर दिया। फिर महाराज फरमाते हैं, नह तृप्तावै खप खप मरे, फिर भी उसको तृप्त नहीं हुई, फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ, और वो एंड में खप खप के, परेशान हो के, दुखी हो के वो मर गया, लेकिन उसका मन नहीं तृप्त आया। क्योंकि पैसा, जैसे आप देखिए कि इंडिया, दुनिया के अंदर जो लोग अमीर लोग हैं, सबसे अमीर हैं, वो भी परेशान हैं। वो कैसे परेशान हैं, जिसके पास कम पैसा है और जो फर्स्ट नंबर पे है, तो वो सोचता है कि यार मैं कैसे करके फर्स्ट नंबर पे पहुंच जाऊँ, उसको ये टेंशन है। फर्स्ट नंबर वाले को ये टेंशन है कि यार मुझे अपनी ये जो मेरा स्टेटस है मेंटेन करना है, मुझे फर्स्ट पोजीशन पे रहना है। तो पैसे का कोई एंड नहीं है, माया का कोई एंड नहीं है। सेटिस्फेक्शन हमको अपने मन के अंदर लेके आना है। हमारा मन हमारे कंट्रोल में आ जाएगा तो मन जीते जगजीत, जगजीत गुरु नानक साहब जी का फरमान है, मन जीते जगजीत। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। तो भाइयों, आगे बढ़ते हैं। इसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, अंग पेज नंबर 1019, जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे परमंता। वाहिगुरु, जिसके घर के अंदर बहुत सारा है, जिस ग्रह बहुत, जिसके घर में बहुत सारा पैसा है, उसे भी चिंता है, तिस ग्रह चिंता, उसके घर में भी चिंता है,
उससे घर में दूसरी चिंता है। हम देखते हैं ना हमारे आसपास किसी को संतान प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को बीमारी है, किसी के घर में ये परेशानी है, किसी के घर में भाइयों का झगड़ा है, किसी के घर में औलाद ने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, या माता पिता ने औलाद को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर दिया। तो महाराज फरमाते हैं जिस ग्रह बहुत तिसे ग्रह चिंता, जिसके घर में बहुत सारा है उसके घर में भी चिंता है, जिस ग्रह थोड़ी सो फिरे पर मनता है, जिसके पास बहुत कम है वो ये सोचता है कि यार मैं और कमा लूँ और कमा लूँ। बात सारी क्या है सेटिस्फैक्शन की, मन जीते जग जीत, मन को जीतना है हमने, इंसान का पहला फ़र्ज़ है अपने मन को ऊपर जीत पाना। तो महाराज यहाँ फरमाते हैं जिस ग्रह थोड़ी सो फिर में परमनता, तो जिसके घर में थोड़ा है वो भी अभी भ्रम में फिर रहा है, मुझे पैसा कमाना है, सोना कमाना है, प्रॉपर्टी खड़ी करनी है। तो कुल मिला के बात सारी ये है कि महाराज फरमाते हैं कि जिस पैसे का कोई एंड नहीं है, आपको मन की शांति चाहिए, आपको सेटिस्फैक्शन चाहिए किसी भी चीज़ को लेके, आप अपने मन को कंट्रोल कर लो। दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज अंग पेज नंबर 1365, कबीर ए तन जाएगा सको तले बहोर, नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर। ये कबीर साहब जी की बाणी है। कबीर साहब फरमाते हैं कबीर ए तन जाएगा, कबीर साहब कहते हैं कि ये जो तन है ये चला जाएगा, ये भस्म हो जाएगा, ये मिट्टी में खाक हो जाएगा। सकोता ले बहोर, इसको बचा लो। क्यों बचा लो? वाहिगुरु की भक्ति के लिए। हमको शरीर क्यों मिला? परमेश्वर की भक्ति के लिए। पर हम लोग आज दूसरे कामों में व्यस्त इतने ज़्यादा हो गए हैं, अपना मेन टारगेट अपना मकसद ही भूल चुके हैं। आगे कबीर साहब फरमाते हैं नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोर, कहते हैं कि वो भी खाली हाथ ही गए हैं इंसान जिनके पास लाख करोड़ रुपए थे। भाई इंसान एक सुई जितनी चीज़ भी अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो हम वो पैसा कैसे ले जाएंगे साथ में, या हम प्रॉपर्टियां कैसे ले जाएंगे साथ में, या हम ज्ञानागट्टा एवडियां कैसे ले जाएंगे साथ में। साथ में सिर्फ परमेश्वर का नाम जाएगा। गुरबाणी फरमाती है नाम मिले चल मैं नाल, बिन नाम है बांधी सबकाल। कहते हैं जो वाहिगुरु का नाम है, परमेश्वर का नाम है, खुदा का नाम है, वही मेरे पास रहेगा, वही मेरा धन है, उसको मैं ले जा सकता हूँ। बिन नावें बांधी सब काल, जिसके पास नाम धन नहीं होता उसको काल अपने वश में, अपने वश में रखता है, अपने वश उसको वश कर लेता है, उसको काल और माया के वो गुलाम रहते हैं। कई जन्मों तक, कई पीढ़ियों तक वो गुलाम रहते हैं, लाखों करोड़ों साल तक वो घूमते रहते हैं, फिर पैदा होते हैं 84 लाख के बाद, फिर जन्म मिलता है, फिर काल और माया उसको अपने जाल में फंसा के रखते हैं। तो कबीर साहब यहाँ पे गुरबाणी में समझा रहे हैं नांगे पावो ते गए जिनके लाख करोड़, जिनके पास लाख लाखों करोड़ रुपए थे वो भी खाली हाथ गए यहाँ से। सिकंदर ने एक टाइम पर पूरी दुनिया जीत ली थी, पर फिर भी जब वो मरा तो वो खाली हाथ गया था। एक कोई स्टोरी भी है, कहानी भी है ऐसी कि जब वो मरा था तो उसके जनाजे पे कहा था कि मेरे हाथ बाहर रखना कि ताकि लोगों को पता लगे कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली है फिर भी मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। तो भाइयों और भी हज़ारों की तादाद में गुरबाणी के अंदर सामाजिक तौर से, आत्मिक तौर से समाज में कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, कोई भी दुनिया का ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका जवाब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ना हो। तो भाइयों एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन भाइयों ने गुरु ग्रंथ साहिब जी नहीं पढ़ी है वो एक बार पढ़ें, एक बार समझें। सर्वसांझी गुरबाणी है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिर्फ सिख पढ़ सकता है, हिंदू भाई भी पढ़ सकता है, मुस्लिम भाई भी पढ़ सकता है। और मैं आपसे दावा करता हूँ कि आपको ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें मिलेंगी, ऐसी ऐसी गुरबाणी उसके अंदर दर्ज है जिसका व्याख्यान करना और जिसको ढूँढना, मतलब आप ये समझो कि दुनिया भर के जो भी हीरे मोती थी वो उठा के गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज कर दिए गए ताकि लोगों को और भ्रम में ना पड़ना पड़े। इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को जगत गुरु कहते हैं, सर्व सांझी गुरबाणी कहते हैं। तो भाइयों आपको अच्छी लगे तो शेयर कर देना, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी भाई मेरी गुरबाणी की वीडियो के ऊपर गालियों वाला कमेंट नहीं करे, नहीं तो मैं ऐसा जवाब दूंगा उनको कि उनकी नानी की परनानी याद आ जाएगी। और
जो भी भाई वीडियो देखें आपको पसंद नहीं है या आप डिसलाइक कर सकते हैं उसको, पर अगर आप गालियां लिखेंगे तो फिर आपको ऐसा जवाब मिलेगा कि कम से कम 3-4 दिन आपको नींद नहीं आएगी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से कि गुरबाणी की वीडियो है उसका सम्मान करें, आपको अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं पर गालियां न लिखें। सत श्री अकाल, नमस्कार, खुदा हाफिज़।